अनु अनु कहाँ हो तुम? बचाओ! मुझे बचाओ! अनु! मुझे बचाओ! अनु घबराओ मत, अनु घबराओ मत, मैं आ रहा हूँ। Help me! Help! अनु! अनु! नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। सावधान इंडिया में हम आपको दिखा रहे हैं देश के कोने कोने से अपराध की चौंका देने वाली सच्ची घटनाएं, और इसी सिलसिले में आज पेश है उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर की एक घटना। तकरीबन 605 वर्ग किलोमीटर में फैला कानपुर देश के चुने हुए औद्योगिक शहरों में से है, और 21 लाख की आबादी के साथ ये उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर भी है। चाहे आजादी की जंग हो या फिर आज की आधुनिक शिक्षा, कानपुर हमेशा सबसे आगे रहा है। लेकिन अफसोस, आज कानपुर को देश के 20 सबसे असुरक्षित शहरों में गिना जाता है। अभी आपने देखा कि एक दृष्टिहीन व्यक्ति पहाड़ से खाई की तरफ बढ़ रहा था। वो एक औरत को बचाना चाहता था जिसकी जान खतरे में थी। कौन थी वो औरत और वो मदद के लिए गुहार क्यों लगा रही थी? ऐसा कौन सा खतरा मंडरा रहा था उस पर जिससे उसे बचाने के लिए ये शख्स खुद हर कदम के साथ मौत की तरफ बढ़ रहा था? इस औरत और आदमी के बीच क्या रिश्ता था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें जाना होगा कुछ समय पीछे। तुम्हारे लिए वाओ, कितनी खूबसूरत पसंद है आपकी। बिना देखे ये सब कैसे कर पाते हैं? जब देख नहीं सकते ना, तो खूबसूरती ज्यादा अच्छी तरह से महसूस होती है। पर मैं महसूस कर सकता हूं कि इस वक्त तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझ जैसे अंधे से तुम जैसी खूबसूरत लड़की शादी करेगी, पर तुम सिर्फ 2-3 मुलाकातों में मुझसे शादी के लिए तैयार हो गई। क्योंकि मैंने आपकी आंखें देखी, आपकी अच्छाई देखी, and I'm very glad about my decision, and I'm proud to be a wife. मुझे मेरी जिंदगी मिल गई। अरे ये क्या हुआ? लाइट चली गई। कमाल है, आप अंधेरे और उजाले में फर्क कर सकते हैं। नॉर्मल इंसानों जितना तो नहीं, लेकिन हाँ, जो लोग देख नहीं सकते उनके बाकी सेंसेस ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अंधेरे और उजाले का फर्क समझ में आता है। और वैसे भी एसी की आवाज आनी बंद हो जाती है, पंखा चलना बंद हो जाता है, शायद लाइट गई होगी या पावर ट्रिप हुआ होगा। तुम घबराओ मत, मुझे पता है स्विच बोर्ड कहाँ है। संभल के। हाँ।
इंसान के शरीर में 5 इंद्रियां होती हैं, यानी कि सेंसेस, जिनसे वो अपने आसपास की चीजों को और माहौल को देख सकता है, छू सकता है, सूंघ सकता है, महसूस कर सकता है। और जब भी कोई एक इंद्री काम करना बंद कर देती है तो इंसान की बाकी इंद्रियां थोड़ी और तेज हो जाती है। विकास अपनी आंखों से भले ही देख नहीं सकता था, लेकिन फिर भी वो अपने आसपास के माहौल को और चीजों को बहुत अच्छी तरह समझ सकता था। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बल पर विकास ने अपने अंधेपन को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया था। वो अपने सारे काम खुद करता था। अब अनीता उसका साथ देने लगी तो अनीता के प्यार और समर्पण से विकास को ऐसे लगने लगा मानो उसे रोशनी मिल गई है। आई संभाल के आपकी बैग। अरे सुमन कहाँ रह गई? साहब की चाय का टाइम हो गया। नहीं मैडम। भैया आपकी चाय। हाँ हाँ रख दो। अच्छा मैं नहा के आती हूँ। हाँ छूट गया है, प्लीज जरा दे दो। कहाँ रखा है? वहीं पर होगा बेड पर। एक मिनट। अनु। हाँ एक मिनट आई। अरे छोड़ो छोड़। कौन 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 है? कौन है? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे? अनु। हाँ? अनु कोई है यहाँ इस कमरे में? फिक्र मत कर, यहाँ तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई नहीं है। अनु अभी मैंने बैग में पैसे रखे तो इसलिए चिंता हो रही है। देखो ना कोई है। ठीक है मैं देखती हूँ। अरे ये बैग तो खुली है और इसमें तो कोई पैसे नहीं है। नू मैम मैंने पैसे अभी रखे हैं उसमें, खुद रखे हैं। ठीक से देखो। अरे मैंने ठीक से ही देखा, इसमें कुछ नहीं है। देखो कुछ नहीं है इसमें। मैंने अभी खुद रखे हैं पैसे, मैं कह रहा हूँ कोई आ था यहाँ पे। अब समझी। सुमन 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 जी मैडम अपना बैग दिखाओ। जी मेरा बैग तो बाहर ही रहता है। तो लेकर आओ सुमन। अनु वो ऐसा नहीं कर सकती। तुम गलत। एक मिनट विकास, उसको बैग लाने दो। अनु लेकिन वो बहुत बहुत साल से हमारे घर पे काम कर रहे हैं। ये देखो ये पैसे इसकी बैग में से मिले। नहीं मैं नहीं जानती ये पैसे मेरे बैग में आए कैसे। भैया अनु
ये पैसे क्यों लेगी? कुछ गलतफहमी हुई होगी, इनके पास कहां से आएंगे पैसे? कैसी बातें कर रहे हो विकास, ये सारे पैसे इसके बैग में से मिले हैं। अब इससे ज्यादा प्रूफ तुम्हें और क्या चाहिए? नहीं भैया, आपको पता है मैं ऐसा नहीं कर सकते। चुप करो सुमन और निकलो यहाँ से, कुछ नहीं सुनना मुझे। अनु, साहब की मजबूरी और विश्वास का फायदा उठा दिया। अनु क्या? मैडम सुनिए ना, मेरी गलती क्या है? अनु देखो, सब तुम्हारे अंधेपन और तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, लेकिन अब तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। अब मैं आ गई हूं ना तुम्हारे साथ, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हाँ आज मैंने आपके लिए पूरी भाजी और पोहा बनाया है। मुझे सिर्फ थोड़ा सा पोहा देना, और तुम भी प्लीज साथ में बैठो ना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बाद में खा लूंगी, पहले आप खाइए। अनु मुझे अकेले खाना नहीं अच्छा लगता, साथ में बैठो ना। आप मेरी चिंता मत कीजिए, मुझे भी बहुत काम है, आप प्लीज शुरू कीजिए, मैं आती हूँ। अच्छा बना है। थैंक यू। अनु तुम भी साथ में खाओ ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी, आप खाइए। थोड़ा सा तुम भी खा ली तो अच्छा होता, गर्मा गर्म। मैं खा लूंगी बाद में। कौन है वो? मैं देखता हूँ। अनुआ नहीं नहीं एक मिनट, अरे अरे आप रुकिए, आप खाइए, मैं जाके देख कर आती हूँ। ना काम करेगी अकेले। क्या कर रहे हो अनु? कौन है? वो मेरी दिल्ली वाली भाभी का भाई है, रंजन। अच्छा, आइए रंजन जी, अंदर आइए। जी बिल्कुल। नमस्ते विकास जी। नमस्ते। एक्चुअली शहर में जॉब मिल गई तो सोचा सबसे पहले आकर आप लोगों से मिले, इसलिए चला है। जी बहुत अच्छा सोचा आपने, और बिल्कुल सही समय पे आए हैं। अनु इनके लिए भी नाश्ता लगा दो, आइए। बैग कमरे में पहुंचा दे। ओके पर तुम्हारे छोटे मुझे। अनीता तुम तो जानती हो ना, सिर्फ यही काम मुझसे नहीं होता, मैं छोड़ नहीं सकता। छोड़ो।
मिश्रा जी, 30 लाख कोई छोटी रकम तो होती नहीं है। जी हाँ, आपके पास एडवांस पहुंच जाएगा जी, 5 दिन के अंदर पहुंच जाएगा। 5 से 6 दिन हुआ तो डील कैंसिल। भाभी जी कैसी हैं? कभी आइए, आप लोग भी घर आइए, आप फिर चाय पी के बात करेंगे। और सुनिए, भाभी जी को भी लेके आइएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, अब तो मिलना ही पड़ेगा आपसे। मिश्रा जी, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम? अरे बहुत गर्मी है ना, ये क्या कर रहे हो तुम? सोचा तुम्हें थोड़ी सी ठंडक दे दूँ। अनु, छोड़ो। अनु, अनु, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? अनु, वो मैं फ्रिज से पानी की बोतल निकाल रही थी तो पानी गिर गया। कोई और भी है यहाँ पे? रंजन भी है यहाँ पे? हाँ विकास जी, वो मैंने भी अनीता जी की चीख सुनी और यहाँ दौड़ कर आ गया, यही देखने की वो ठीक तो है। भाई चीख सुन के मैं भी डर गया था कि कहीं अनीता को चोट न लग गई। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। आइए मैं आपको अंदर ले चलती हूँ, आइए। सुनिए ना, ये रंजन हमारे घर पे और कितने दिन रहेगा? उसके घर का इंतजाम क्यों नहीं कर देते जल्दी से आप? रंजन? हाँ। बस हमारे छुट्टियां बिता के वापस आने तक रहेगा। छुट्टियां? क्या ये क्या कह रहे हैं आप? एक मिनट, ये लो, खुद देख लो। ये क्या है? इसमें तो सारे हिल स्टेशंस के पिक्चर्स है, ये कब किया आपने? तुम्हारे शादी के लिए हाँ कहते ही 1 साल तक का सारा प्लान बना लिया था। What? Oh my God! अब जब हम 3 दिन बाद छुट्टियां मना के वापस आएंगे तब तक रंजन के मकान का बंदोबस्त भी हो जाएगा। आगे खाइए, रुको रुको, अरे मरना है क्या? आगे खाइए। खाई? हाँ। थैंक यू। विकास! अनु! विकास! अनु!
बिकॉज़ वो आदमी मैं बढ़ता गई थी बिकॉज़ कौन आदमी पता नहीं कोई पागल सा था उसके कपड़े भी फटे हुए थे मुझे इतना डर लग गया लेकिन कैसे भी करके मैं अपनी जान बचा कर आ गई विकास और थैंक गॉड नहीं ना नहीं ठीक हो ना कुछ नहीं होगा तुम परेशान मत अनु कुछ चीज नहीं है ना तुम्हारे पास तुम्हारे पास है मैंने तो सोचा था मर जाएगा आज और उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी लेकिन पता नहीं वो आदमी कहां से बीच में आ गया हेड हेड बचाओ अनु बचाओ आगे खाइए भाई हाँ थैंक यू तुम टेंशन क्यों ले रही हो अब तक हमने जो भी मेहनत की है वो बेकार नहीं जाएगी वो बेचारी सुमन बड़ी भरोसे वाली बनती थी और फिर वो पैसे मैंने उसके बैग में डाले ये प्लानिंग तो गड़बड़ हो गई अब आगे क्या करें अब जो भी करेंगे कानपुर जाके करेंगे पति पत्नी का रिश्ता आपसी प्रेम और विश्वास पर टिका होता है अनीता ने सब कुछ जानते हुए अपनी मर्जी से विकास के साथ शादी की थी और विकास भी अनीता से इतनी मोहब्बत करता था कि वो उसे दुनिया की हर खुशी देना चाहता था लेकिन विकास इस बात से अनजान था कि अनीता का असल इरादा उसका घर बसाने का नहीं बल्कि अपनी अय्याशियों के लिए उसका घर उजाड़ने का था वो ना केवल हर पल विकास के साथ विश्वासघात कर रही थी बल्कि रंजन के साथ मिलकर उसकी जान भी लेना चाहती थी अब देखना यह था कि अनीता की अगली घिनौनी चाल क्या होगी आई होप आपको तकलीफ ना हुई हो तीन चार दिन तक हम थे नहीं यहाँ पे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है दरअसल मैं भी अपने काम में ही लगा हुआ था ओ। By the way, if you don't mind, आप परफ्यूम कौन सा इस्तेमाल करते हैं बड़ी प्यारी स्मेल है इसकी थैंक यू सो मच परफ्यूम के मामले में मेरी पसंद हमेशा से एक ही रही इंडियन रॉस उसके अलावा कुछ पसंद ही नहीं आ नाइस ये देखिए स्पेशली मैंने आपके लिए दाल बनाई हाँ दो ना क्या सॉरी ज्यादा गर्म तो नहीं था ना नहीं बहुत ज्यादा गर्म नहीं था सुनिए रंजन के फ्लैट का क्या हुआ ओ, एक मकान देखा है अच्छा है एक बार रंजन देख ले तो फाइनल कर देंगे ठीक है कौन है क्या हुआ बताइए ना क्या हुआ कोई यहाँ आया है कमरे में नहीं नहीं कैसी बातें कर रहे हैं आप कोई भी तो नहीं है यहाँ पर शायद आपने कोई सपना देखा होगा कोई आया है जरूर आया है रंजन है क्या यहाँ पे क्या
नहीं तो, अरे वो यहाँ कैसे आएगा? इतनी रात को वो थोड़ी ना यहाँ पे आएगा। और तब भी जब घर के सारे दरवाजे बंद है, पॉसिबल ही नहीं है। दरवाजा खुलने की आवाज आई थी, मैंने सुनी। जिन के परफ्यूम की खुशबू भी आ रही है। पॉसिबल ही नहीं है, दरवाजा तो बंद है और मुझे तो कोई खुशबू नहीं आ रही। लेकिन लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि कोई आया है यहाँ। अच्छा मैं देख कर आती। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे, जाओ यहाँ से। अरे बात समझा करो, प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से, जाओ। कौन था? कोई भी नहीं था, मैंने हर जगह देख लिया। अब सो जाओ। आप यहाँ बैठे हैं और मैंने सारा घर ढूंढ लिया। चलिए खाना रेडी है। अनु ये बेल्ट किसकी है? मुझे बेडरूम में सोफे पे मिली, मेरी तो नहीं है ये। क्या हुआ, किसकी है? हाँ आप ही की तो है। वो आज मैं बाहर शॉपिंग के लिए गई थी ना, तो मैंने आप ही के लिए तो खरीदी, बस देना भूल गई। कैसी लगी? बहुत अच्छी है, तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। रंजन अनिता? क्या बात है, क्यों बार बार मैसेज करते रहते हो कि मिलना है मिलना? तो क्या करूं मैं, एक तो तुम्हारे घर से शिफ्ट हो गया, जहां मैं रहता हूँ ऑलमोस्ट सारे लोग विकास को अच्छी तरह से जानते, इसलिए तुम्हें वहां भी नहीं बुला सकता मिलने के लिए। क्या करूं मैं? अरे पर उसकी क्या जरूरत है, ये घर है ना। अनिता तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी, विकास अंधा है, देख नहीं सकता, लेकिन उसके कान और नाक हमेशा खुले रहते। कुछ और करना तो जरूर ना, मैं तुमसे बात कर सकता हूँ ना तुमसे मिल सकता हूँ, तो क्या करूं मैं? तुम परेशान मत हो, हम इसी घर में मिला करेंगे, और वो भी उसके रहते हुए। वो सिर्फ देख नहीं सकता ना, लेकिन अब से ना वो सुन पाएगा और ना ही सूंघ पाएगा। ये लीजिए, मैं आपके लिए दूध लाई। ला। नहीं नहीं, आज मैंने सोचा है कि मैं आपको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी। अरे लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया ना कि मैं आपको अपने हाथों से दूध पिलाऊंगी। चलिए पीछे। मैंने उसे नींद की दवा दे दी है, अब वो सुबह तक नहीं उठेगा। आई एम वेटिंग, आ जाओ। सर उठिए, सर उठिए, ऑफिस आ गया। पता नहीं आजकल इतनी नींद क्यों आती रहती है। और ऑफिस में भी दिन भर आजकल यही बातें करते हैं कि आप सोते रहते हो। तबीयत को क्या हो गया है? आज ही डॉक्टर के पास जाता हूं। विकास, इस रिपोर्ट के अनुसार तुम नींद की दवाइयां ले रहे हो? नहीं डॉक्टर शर्मा, आपको कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं आपसे पूछे बिना सिरदर्द की दवाई भी नहीं लेता, और नींद की गोलियां लेने की मुझे क्या जरूरत, मुझे तो ऐसे ही नींद आती रहती है। विकास ये रिपोर्ट मैंने दोबारा जांच की, एंड नाउ आई एम कॉन्फिडेंट, ये रिपोर्ट बिल्कुल सही है। आप नींद की दवाइयों का एक बड़ा डोज ले रहे हो, जो ना सिर्फ आपके दिमाग पर असर कर रहा है बल्कि आपकी किडनी पर भी असर कर रहा है। इट्स अ स्लो पॉइजन, आपकी मौत हो सकती है। प्लीज इसकी
वजह पता करने की कोशिश करो। ये कब से चल रहा है और खाने या पीने की कौन सी ऐसी नई चीज है जिसे लेने के बाद तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है? विकास, डॉक्टर साहब, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं आपसे एक दो दिन में आके मिलता हूं। Are you sure? Yes, doctor. I'm sure. Sure. कोई यहाँ आया है कमरे में? नहीं नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कोई भी तो नहीं है यहाँ पर। अनु, ये बेल्ट किसकी है? मुझे बेडरूम में सोफे पे मिली, मेरी तो नहीं है ये। आप ही की तो है। विकास, और खाने या पीने की कौन सी ऐसी नई चीज है जिसे लेने के बाद तुम्हें ये प्रॉब्लम हो रहा है? आपके लिए दूध लाई। क्या बात है, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं, कुछ परेशानी है? नहीं, हो एक डील कुछ गलत हो गई, मैंने ही कुछ गलत फैसला ले लिया शायद। कोई बात, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन आप अपने आप को देखिए, देखिए कितने कमजोर हो गए हैं। आपको आपकी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए दूध लाई। ये लीजिए, ये लीजिए, पी लीजिए। मुझे बिस्किट खाने की इच्छा हो रही है। बिस्किट? ठीक है, मैं बिस्किट लेकर आती हूँ, लेकिन आप दूध पी लीजिएगा। ओके, मैं आती गया है, आ जाओ। कैसे छिप छिप के मिलते रहेंगे हम लोग? अब बहुत हो गया, बस रिलैक्स। जब तक वो मर नहीं जाता, अरे तो तब तक तो दवाई का डोज बढ़ा दो ना। बढ़ा दिया आज। तुम्हें पता है दिल्ली में उसकी 7 करोड़ की प्रॉपर्टी है। क्या बात कर रही हो? हाँ, बेचारा अंधा बहुत प्यार करता है मुझसे। और तुम मुझसे? मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अरे ये विकास, ये चौंक कैसे गया? देखो जरा, मैं देखती हूँ। अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हैं? और रंजन तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं? रंजन, कैसी बातें कर रहे हो आप? आप फिर से रंजन को लेकर? बस, झूठ मत बोलो। और कितना झूठ बोलोगी तो? मैं देख नहीं सकता, अंधा हूं लेकिन बहरा नहीं हूं। मैं तुम लोगों की सारी बातें सुनी है, मुझे धोखा दे रहे हो, मिलके मुझे लूट रहे हो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें, मैं डिवोर्स दे दूंगा। मैं पुलिस पुलिस में कंप्लेंट करूंगा। पुलिस को फोन करता हूं। आ आ
छड़ी रस्सी का कपड़ा लेकर आ जाओ जल्दी। बांधो उस साले को। तू मारेगा मुझे, तू मारेगा मुझे। हाँ अंधे कहीं के पूरी दुनिया से चीख चीख कर कह दूंगी कि टेरेस पर टहलने गया था और दिखाई नहीं दिया तो गिर के मर गया। रंजन मुझे लगता है इसे आज ही मारना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी और रात हो जाने दो, सारे पड़ोसियों को सो जाने दो, उसके बाद टेरेस पे ले जाके धक्का मार देंगे इसे। अनीता, अब तुम्हारे साथ में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उस अंधे के मर जाने के बाद 50% तो मेरा बनता है ना। पहले उसे मर तो जाने दो। अच्छा ठीक है, परसेंटेज मत दे, लेकिन उस अंधे के पास कम से कम 20 करोड़ की प्रॉपर्टी तो होगी। उससे ज्यादा। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मेन डोर ठीक से बंद है ना? हाँ बंद है, और अगर नहीं भी हो तो क्या फर्क पड़ता है, हाथ पैर मुंह सब बांध के रखा है, कुछ नहीं कर पाएगा वो। लाइट। काफी रात हो गई और उसे छुटकारा पाने का समय आ गया है। ये लाइट, लाइट को क्या हुआ? अच्छा ही हुआ ना, अब अंधेरे में हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। अनिता धीरे धीरे संभल के, संभल के। तो विकास कहाँ चला गया? यही तो था। चलो ढूंढते उसे। चलो आराम से, आराम से। ये? अरे ये कहाँ गया? ये विकास को मैंने यही बांध कर रखा था। अरे तू बांध कर रखा था तो गया कहाँ पर? दरवाजा बंद है, इसका मतलब वो यही है। और चले को नहीं छोड़ूंगा मैं। तुम आ देखो, मैं नीचे देख कर आता हूं। संभल के जाना। हाँ। क्या वो मिला? नहीं। ये अंधा कहाँ चला गया? एक काम करो, तुम वहां से ऊपर जाओ, मैं यहां से ऊपर आता हूं। ठीक है। दो पास। अरे संभालो। दरवाजा खुला है, विकास भाग गया है। ओह माय गॉड, अब चलो जल्दी पकड़ो इसे। चलो चलो। मिल क्यों नहीं रहा है? कहाँ चला गया वो?
हाँ सब ठीक है घर पे, मम्मी पापा भी ठीक हैं, पर तुम ये बताओ पैसे कब भेज रहे हो? क्या पिंक रोज इस बार नहीं भेजोगे? अरे भाई कोई है यहाँ पे? हाँ सब जी है। अच्छा ये पिंक रोज है ना? आप विकास बोल रहा हूँ। हाँ जी। कि मुझे वो लोग मार देंगे। हम लोग प्लीज आ जाइए, वो लोग मुझे मार देंगे। कौन कौन लोग? हेलो कैसे बताऊँ आपको? आपके अगल बगल वो चीज, आसपास की कोई चीज बताइए। पास में घंटे की आवाज सुनाई दे रही है। ओके ओके सर, यहाँ पे पास में कोई घंटा घर है, घंटा घर के पास में आइए। हेलो इसने पुलिस को फोन कर दिया है, कुछ करना पड़ेगा। मैं तुझे क्या लगा कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ? तेरे पैसे देकर शादी की थी, प्रॉपर्टी देकर शादी की थी तुझसे, अंधा कहीं का। मारो इसे, मारो। अब घबराइए नहीं, वो दोनों पकड़े गए, कानून उन लोगों को सजा जरूर देगा। लालच और धोखा ऐसे जहर हैं जो हर रिश्ते को जलाकर राख कर देते हैं, और खासकर जब बात पति और पत्नी के रिश्ते की हो तो उसकी जड़ों को तो परस्पर प्रेम और विश्वास से ही सींचा जाता है। लेकिन अनीता ने ना तो विकास की भावनाओं की परवाह की, ना रिश्तों की, और ना ही कानून की। विकास बेहद घायल अवस्था में पुलिस को मिला था। अनीता और रंजन पहले से ही पुलिस की गिरफ्त में थे। विकास पूरे 2 दिनों तक अस्पताल में मौत से जूझता रहा, लेकिन आखिर में जिंदगी की जीत हुई। होश में आने पर विकास ने बयान दिया, अनीता और रंजन पहले से ही हिरासत में थे। उन दोनों पर हत्या के प्रयास के लिए आईपीसी के सेक्शन 307 और हत्या का आपराधिक षड्यंत्र रचने के लिए सेक्शन 120B के तहत मुकदमा चला और उन्हें 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। आप सबसे विनती है कि अपना जीवन साथी चुनने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान लें, उस शख्स को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद ही विवाह जैसा महत्वपूर्ण फैसला करें। यह तो थी रिश्तों में हुए अपराध की घटना, लेकिन अपराध कहीं भी कभी भी वार कर सकता है, मगर सावधान रहकर हम और आप इसका शिकार बनने से बच सकते हैं, और इस कोशिश में सावधान इंडिया आपके साथ है।